नमस्कार प्रिय साथियों, हरिद्वार की पावन भूमि पर गंगा जी के तट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको शुक्र नीति के अनुसार प्रमाण सहित यह बताऊंगा कि आपके घर में किस प्रकार की देव प्रतिमा नहीं होनी चाहिए और किस प्रकार की देव प्रतिमा होनी चाहिए। दोस्तों, तीन प्रकार का मानव का स्वभाव होता है, राजसिक, सात्विक और तामसी। जिस प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसी ही देव प्रतिमा, वैसा ही मंत्र का चयन उस व्यक्ति को करना चाहिए। पूरी जानकारी शुक्र नीति के अनुसार श्लोक सहित आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या दोस्तों आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। प्रिय साथियों, देव प्रतिमा हर प्रकार की मुद्रा में कल्याणकारी होती है, लेकिन फिर भी जो प्रतिमा शांत मुद्रा में है, ध्यानस्थ मुद्रा में है, आशीर्वाद की मुद्रा में है, वह सात्विक कही जाती है। वह गुरुकुल में, आश्रमों में, सिद्ध स्थानों में, महात्माओं के जहाँ रहने के निवास है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी रहती है। इस बारे में आचार्य शुक्र कहते हैं, योग मुद्रान्विता स्वस्था वरा भयकरान्विता देवेंद्रादिस्तस्तना सात्विकी सा प्रकीर्तिता। अर्थात जो योग मुद्रा स्वाभाविक अवस्था में है, वरदान की अवस्था में है, ध्यानस्थ है, वह सात्विक कही जाती है। गृहस्थों के घर में ऐसी प्रतिमा सुख शांति प्रदान करने वाली होती है, लेकिन आश्रमों में और विद्याध्ययन के स्थान पर इसका महत्व बढ़ जाता है। अब आपके घर में, आपके व्यापारिक स्थल पर किस प्रकार की देव प्रतिमा होनी चाहिए? आचार्य शुक्र कहते हैं, तिष्ठन्ति वाहनस्थावा नाना भरण भूषिता या शस्त्रास्त्राभयवर करा सारा ऋषि स्मृत। जो प्रतिमा किसी वाहन पर बैठी हुई, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण किए हुए, अभयदान की मुद्रा में है, उसे राजस प्रतिमा कहते हैं। साथियों, किसी वाहन पर बैठी हुई जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, वह किसी वाहन के ऊपर बैठे हुए हों और बहुत सारे गहने साज सज्जाने एक वस्त्र धारण किए हुए हों, तो वह प्रतिमा आपके घर को धन धान्य से भर देगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। गृहस्थों को और व्यापारियों को अपने स्वभाव के अनुसार वैसी ही प्रतिमा का चयन करना चाहिए। अब आपको, एक साधारण आदमी को, एक सामाजिक आदमी को किस प्रकार की प्रतिमा का चयन नहीं करना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूँ। शास्त्र कहता है, आचार्य शुक्र कहते हैं, शस्त्रास्त्रैर्दैत्यहन्त्रिया युग्ररूपा धरा सदा युद्धाभिनन्दिनी सा तु तामसी प्रतिमोच्यते। अर्थात जो प्रतिमा हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, दैत्यों को मारने वाली, उग्र रूप धारण किए हुए, सदा युद्ध के लिए तैयार होती है, वह तामसी प्रतिमा कहलाती है। ऐसी प्रतिमा विशेष साधनाओं में, शत्रु विनाश के लिए कोई साधना की जाती है, दुष्टों को दंड देने के लिए देवी से प्रार्थना की जाती है, ये जो तामसिक साधना करने वाले तांत्रिक लोग हैं, ऐसी प्रतिमा उनके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। आम आदमी को, आम गृहस्थ को, व्यापारियों को ऐसी प्रतिमा अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी शुक्र नीति के अनुसार कुछ सटीक और शानदार जानकारी। मैं कामना करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।